अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, मैं दिलकश गार्डन में आपके साथ हाज़िर हूँ। सब खैरियत से होंगे और अपने अपने कामों में मसरूफ़ होंगे। दोस्तों, आज मैं जो आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ वो है डेज़ी फ्लावर। तो डेज़ी फ्लावर के बारे में आज हम बात करेंगे। इसका सीज़न जो है वो अब ख़त्म हो चुका है। इसमें सीड्स बनने का जो प्रोसेस है वो मुकम्मल हो गया है। बहुत ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग हुई और फ्लावरिंग होने के बाद अब मार्च का एंड है, तो अब इसका जो सीज़न है वो ख़त्म हो गया है और इसके सीड्स जो हैं वो बनकर तैयार हो चुके हैं। आज हम इनके सीड्स को ही कलेक्ट करेंगे और देखेंगे कि हम इन सीड को किस तरह से संभाल कर अगले जो सीज़न आएगा, जो अक्टूबर, जब हम इसे सितंबर में ग्रो करेंगे, तब तक के लिए हम इसे किस तरह से संभाल कर रख सकते हैं और कौन से बीज होंगे जिन्हें हमने कलेक्ट करके रखना होगा, ताकि अगले साल के लिए जो हमें फूल चाहिए यानी बीज चाहिए हैं वो हमें किसी शॉप से या नर्सरी से बाय ना करना पड़े, हम खुद घर में ही इन्हें कलेक्ट करके रख लें। अब ये देख सकते हैं कि ये बीज जो है किस कदर पक कर ये पूरे का पूरा सीड पॉट जो है वो तैयार हो चुका है। इसे मैंने तोड़ने की कोशिश की पूरे सीड पॉट को, लेकिन वो जो बीज थे वो इसके सीड थे वो मेरे हाथ में सारे इसी तरह से आ गए। सीड पॉट जो है वो इसका खाली हो गया है। ये देख सकते हैं आपके, ये मेरे हाथ में ये एक ही सीड पॉट में से तकरीबन 100 से भी ज्यादा ये सीड्स होंगे जो मुझे इस एक सीड पॉट से मिले हैं। तो दोस्तों, इसे आपने इसी तरह से जितने भी इसमें सीड्स होंगे जो अब पक चुके हैं, इसमें मैं अब सारे के सारे निकाल लूंगी। ये देखें, मैंने इसे अपनी प्लेट में डालकर रखा है। तो अब इसे रखने के बाद अब मैं इसमें जितने भी बीज सूख चुके हैं उन सारे के सारे सीड्स को मैं कलेक्ट कर लूंगी और कलेक्ट करके तो इसी तरह से मैं इन्हें रखती रहूंगी, ताकि ये बहुत ज़्यादा, क्या ये हज़ारों की तादाद में हमारे पास जो हैं ये बीज बन जाएंगे। और इन पौधों को, हर पौधे को मैंने एक एक पौधे को ही तकरीबन 5 से 6 इंच का ये मेरा पॉट है जिसमें मैंने इन्हें ग्रो किया हुआ था, और इनमें बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हुई और बहुत ये जो पौधे थे मेरे ये टॉल हो गए, तो बहुत ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग भर भर के पूरी सर्दियाँ जो हैं, सर्दियाँ क्या ये तकरीबन फरवरी के शुरू में ही इनमें फ्लावरिंग होना शुरू हो जाती है। तो पूरा फरवरी बहुत ज़्यादा गार्डन जो है इनकी वजह से प्यारा लगता है। तो अब मार्च का एंड हो गया है, तो गर्मी का अब सीज़न जो है वो शुरू होने वाला है, जिसमें हम इसे जितना भी इसे संभाल कर रखें लेकिन नहीं रख सकते। इसने अपने वक्त आने पर तो इस पौधे ने सूखे, क्योंकि ये सीजनल प्लांट होते हैं, इन्हें तो तकरीबन 4 या 5 माह के बाद ख़त्म ही होना होता है, तो इसकी हम इससे ज़्यादा केयर नहीं कर सकते। तो ये अब मैंने जो बाकी के और सूखे हुए बीज हैं जो ड्राई हो रहे हैं वो सारे मैंने, दोस्तों ये एक और सीड पॉट मैंने प्लांट से अलग कर लिया है। ये भी बिल्कुल पककर तैयार हो चुका है, बिल्कुल अंदर से ये ब्लैक हो चुका है। तो मैं आज आपको एक और बात बताऊं कि आज से तकरीबन 3 साल पहले मेरे पास डेजी का कोई भी प्लांट नहीं था। मैंने कई नर्सरियों से पता किया लेकिन मुझे डेजी का कोई भी प्लांट ना मिला। फिर मैंने बीज मंगवाए लेकिन बीज भी मुझे यहाँ से अच्छी क्वालिटी के ना मिले। मेरा ताल्लुक सरगोधा से है, तो जब मैंने 3 से 4 यानी चौथी बार मैंने दोबारा सीड्स मंगवाए, तो उसमें से सिर्फ मेरे तीन ही बीज जो थे वो सीड्स थे वो मेरे जर्मिनेट हुए। तो वो जो 3 जर्मिनेट हुए तो उसमें से मेरे 2 ही प्लांट बने। बारिशों का सीज़न जो मार्च में शुरू हो जाता है, इससे भी हमारे बीज जो हैं बार बार गीले होने की वजह से ख़राब हो जाते हैं। ये मैंने जो बीज हैं एक प्लेट में निकाल कर सारे रख लें जो बिल्कुल ड्राई थे, और भी मैंने अभी बहुत से सीड जो हैं वो अलग से रखे हुए हैं जो बिल्कुल मेरे ड्राई हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं कि हमें बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कि ये बिल्कुल छालिया जो होता है बिल्कुल ऐसे ही हमें ये मालूम होते हैं, जो पान में लगाने के लिए जो हम छालिया इस्तेमाल करते हैं या वैसे खाने के लिए जो हम छालिया इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल उसी शेप में इसके छोटे छोटे से जो हैं ये इसके सीड्स हैं, बिल्कुल छालिया की तरह ही ये हमें लगते हैं। तो इसको अब आपने जो संभाल कर रखना है, तो इसमें आपने कौन सा अमल करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। इनको, बीजों को हम अब एक साइड पर कर लेंगे। तो इसमें अब हम राख लेंगे लेकर, तो उसे इसके अंदर मिक्स कर देंगे। राख हमने वो लेनी है जो वाइट कलर में होती है, ब्लैक वाली हमने नहीं लेनी, क्योंकि ये फंगीसाइड का काम करती है, तो इस वजह से हम इसमें राख डालेंगे। आप इसमें थोड़ी सी हल्दी भी डालकर रख सकते हैं, या फिर आप इसमें
फंगीसाइड जो है वो भी डालकर रख। मेरे पास तो फंगीसाइड नहीं था, लेकिन मैंने ये जो राख है ये मेरे पास पड़ी थी, ये भी फंगीसाइड का ही काम करती है। तो इसे आप एक चम्मच जो है वो भरकर इसके अंदर डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लें, और मिक्स करने के बाद आप इसको तमाम बीजों को इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स करें, ताकि सारे बीजों को ये जो राख है अच्छी तरह से इनको लग जाए, और इसे फिर हम अच्छी तरह से अगले सीजन के लिए संभाल कर रख सकें, और इसमें कोई भी कीड़ा वगैरह जो है वो नहीं लगेगा। तो इसको आप ऐसे, ये तो बीज मेरे बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं, अगर आपको महसूस हो कि इनमें थोड़ी सी नमी मौजूद है तो आप इसे 1 से 2 दिन के लिए छांव में रख दें। रखने के बाद उसके बाद आप इनको किसी डिबिया वगैरह में डालकर जो भी आप इसको चीज लगाना चाहें, चाहे इसमें आप राख डालना चाहें, चाहे आप इसमें हल्दी डालना चाहें या कोई और चीज़ जो भी आप इसमें डालें, तो डालकर आप इसको 2 दिन के लिए ड्राई होने के बाद मिक्स करके, तो आप इसे इस तरह की एक डिबिया लें, लेकर तो उसमें अच्छे से संभाल कर रख दें और ऊपर से इसको एयर टाइट कर दें। आपके पास अगर डिबिया ना भी हो तो ज़रूरी नहीं कि आप इसको डिबिया में ही रखें, आप कोई पॉलिथीन का जो है वो बैग भी छोटा सा ले सकते हैं, लेकर आप उसमें इसे रख सकते हैं अपने इन बीजों को, और जो इसमें जो राख है उसको भी आप इसके साथ ही इसके अंदर डालकर रख दें और ऊपर से इसको एयर टाइट कर दें। तो ये हमारे जो सीड्स हैं ये हमारे अगले सीजन के लिए अब बिल्कुल रेडी हो गए हैं। तो अब हम इसे किसी रख लेंगे, किसी बहुत ज्यादा गर्मी वाली जगह पर तो हम इसे बिल्कुल नहीं रखेंगे, इसे ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ पर टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री से कम हो, इस ऐसी जगह पर हम इसे रखेंगे। अगर इसे हम धूप वाली जगह में या ज्यादा गर्मी वाली जगह में रखेंगे तो ये बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे जैसे कि बिल्कुल जाया या खराब हो चुके हैं, जब हम इसे अगली दफा जर्मिनेट करेंगे तो ये नहीं होंगे। तो अब आपने देखा कि हमने इस तरह इसके सीड किस तरह से कलेक्ट किया। अभी ये मेरे कुछ जो सीड्स हैं ये अभी बिल्कुल ग्रीन ही हैं, तो इनको मैंने नहीं उतारा, लेकिन जब ये बिल्कुल तैयार हो जाएंगे तो मैं इन्हें भी उतार कर रख लूंगी। मेरे पास तकरीबन इतने प्लांट थे कि इसमें मुझे हजारों नहीं लाखों की तादाद में मुझे सीड जो है वो मिले हैं। तो दोस्तों आपको ये मेरा टॉपिक आज जरूर अच्छा लगा होगा, और आपको पता चला होगा कि हमने डेजी फ्लावर के सीड्स को किस तरह से कलेक्ट करना है। तो इसी के साथ मैं अब आपसे इजाजत चाहूंगी, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जो है जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।